वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है गाइस राष्ट्रीय कृत सर्वोदय प्लस टू उच्च विद्यालय का वीडियो है गाइस। मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक मजबूती देना, डॉक्टर मनोज। अपने शैक्षिक मूल क्या मूल्यांकन आवश्यक और परीक्षा मनोवैज्ञानिक अवधारण मूल्यांकन समाप्त करता है। अभिषेक राजे की सर्वोदय प्लस टू उच्च विद्यालय सदवर पलामू में आज फिजिक्स विज्ञान शिक्षक अभिषेक कुमार तिवारी द्वारा विद्यालय के मैदान में विज्ञान संख्या के वर्ग 12th तथा 11th के विद्यार्थियों के लिए पी बोर्ड जांच परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में लगभग 320 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह मूल्यांकन पूर्ण रूप से जैक आधारित तथा इसका उद्देश्य विद्यालय तथा विद्यार्थियों में विशिष्ट वातावरण का निर्माण करना, साथ ही शिक्षा का दृष्टिकोण से विद्यालय के अंदर विभिन्न बिंदुओं पर आदर्शवाद स्थापित करना, जैसे विद्यार्थियों को होने वाली समस्याओं, आचरण, सव्यवहार, ज्ञान, विभिन्न रुचियां, व्यक्तिगत विभिन्न उनके मूल प्रवृत्तियों, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। साथ ही साथ क्या नाम है? मेरा नाम किरण कुमारी है। और ये जो विद्यालय में परीक्षा हो रहा है किस उद्देश्य से हो रहा है? ये परीक्षा हमारे स्कूल में हर मंथ सर अभिषेक तिवारी सर लेते हैं और इस परीक्षा से हम लोगों को जो पढ़ाई होता है उससे उत्तेजित मिलता है कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। और ये परीक्षा हमारे एग्जाम से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इससे हम लोग अपने पढ़े हुए चीज को रिविजन कर पाते हैं। इस वार्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य वर्ग 12th इंटरमीडिएट का परीक्षा जो फरवरी माह में आयोजित होने वाले हैं, इसमें विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक विकास में आ रहे रुकावटें को दूर करना है। इस पर आपका कॉलेज का क्या नाम है? जो आपके यहाँ विद्यालय में एग्जाम हो रहा है किस उद्देश्य से हो रहा है? हमारे यहाँ अभिषेक तिवारी सर हम लोग के वीकली मंथली में एग्जाम लिया जाता है और ये सर हम लोग के मतलब इस एग्जाम में जो बच्चा टॉप करता है उसको इनाम दिया जाता है, 1000 पति का 100 कर इसका इनाम दिया जाता है। और हमारे सर इस स्कूल में बच्चे लोग को बहुत सहायता करते हैं और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हम लोग जेक का जो भी जो एग्ज़ाम होता है उससे यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब लाभदायक है और एग्ज़ाम में आता है। और इस परीक्षा के दौरान निरीक्षण करने पहुंचे सदभरो प्रखंड अंचलाधिकारी श्री कृष्ण मोहन तिर्की, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार, साथ में सहयोग करने वाले शिक्षक सुशील टोपो, रवि रंजन कुमार, दिलीप प्रसाद, नरेंद्र राम, धर्मदीप पाल मुख्य रूप में से उपस्थित थे। सर आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक कुमार तिवारी है और मैं शिक्षक हूँ राजकीय कृत सर्वोदय प्लस टू उच्च विद्यालय सतबरवा पलामू में। पिछले जब हमने 4 वर्षों से एक कार्यक्रम कर रहे हैं कौन बनेगा 1000 पति, जो हर माह हम टेस्ट लेते हैं और सबसे ज़्यादा जो अंक लाते हैं उन्हें 1000 रुपया नगद पुरस्कार देते हैं। वो हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का कि वैसे विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों लेकिन मानसिक रूप से यदि मजबूत हों तो उन्हें पढ़ने के लिए और उसके पठन पाठन के लिए सामग्री लेने में उस पैसे का उपयोग कर सकें। अभी जो हम लोग एग्ज़ाम लिए फील्ड में हर साल लेते हैं, जो प्रत्येक वर्ष लेते हैं, इसका उद्देश्य है नवाचार माध्यम से एक साथ लगभग क्लास 11 फिजिक्स के 317 विद्यार्थियों ने भी एग्ज़ाम दिया है और हमने उसमें पहले से ही बता रखा था कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा सिलेबस कहाँ है, किस प्रकार के पैटर्न हैं और हमने इस एग्ज़ाम का पूर्ण रूप से जो पैटर्न बनाया है वो जैक के अनुसार बनाया है जो अभी फरवरी में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, होने वाला है बोर्ड वाला इंटरमीडिएट का 11th और 12th का भी, उसके आधार पर हमने पूरे सिलेबस को तैयार किया है। हम सभी विद्यार्थियों को ये भी कहते हैं कि यदि पैसे के लिए अगर
थाली बेचना पड़े तो वो बेच दो और हाथ में रोटी रख के खाओ, लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण करो।